फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 16 का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और घर में बहुत से घमासान मचे हुए हैं। कई सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो शालीन हो, टीना हो, सुम्बुल हो, इन तीनों में मतभेद होता नजर आ रहा है। वही यहां पर कैट फाइट भी छिड़ गई है और ये कैट फाइट प्रियंका, गौरी और अर्चना के बीच में छिड़ी है। महज एवोकाडो के लिए ये आमने सामने आ गए हैं और इसी बीच अब बिग बॉस सीजन 16 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और ये अपडेट है कि अब बता देंगे हम आपको कि आखिरकार कौन कौन से कंटेस्टेंट इस हफ्ते के लिए घर से बेघर होने के लिए हो गए हैं नॉमिनेट। जी हां, बिग बॉस ने घर वालों को दिया था एक टास्क और इस टास्क के मुताबिक घर वालों को बताना था कि अब तक घर में कौन से कंटेस्टेंट का सबसे कम योगदान रहा है। और ऐसे में मैक्सिमम जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सुम्बुल का नाम लेते हैं, मान्या का नाम लेते हैं, साजिद का नाम लेते हैं और इसी के मुताबिक अब हो चुका है सुम्बुल का नॉमिनेशन। मान्या सिंह भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। वही आप जानते हैं कि शालीन भनोट को बिग बॉस सीजन 16 में 2 हफ्ते नॉमिनेट होने की सजा मिली थी और ये अब दूसरा हफ्ता है और इस दूसरे हफ्ते के लिए भी शालीन भनोट पहले से ही नॉमिनेटेड है। यानी कि इस हफ्ते 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो घर से बेघर होने के लिए हुए हैं नॉमिनेटेड, जिसमें है शालीन भनोट, सुम्बुल तौकीर खान और मान्या सिंह। बहरहाल आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी होगा सबसे ज्यादा कमजोर और कौन जा सकता है घर से बाहर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गॉसिप टाउन।